जब आप वोट नहीं डाल पाए, 5 साल में एक मौका आया था सरकार चुनने का, थोड़ा उस चीज को लेके बुरा लग रहा है आपको कि मौका आपका वोट डालने का जो अधिकार था वो फिर पूरा नहीं हो पाया? वोट डालने ने दिया तो पब्लिक, उन्होंने तो क्या करते फिर हम बताओ। ऐसी बार तो चुनाव पहली बार देखा हमने अपनी जिंदगी में। चुनाव तो बहुत आए मगर ऐसा चुनाव तो पहली बार ही आया पब्लिक को वोट नहीं डालने दे रहे। इनसे मिलिए, ये मोहम्मद अनीस हैं, संभल जिले के ओबरी गांव में रहते हैं। 7 मई की सुबह लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार में अपना हिस्सा दर्ज कराने और हिंदुस्तान के हुक्मरानों की कुर्सी पर अपनी उंगली का निशान छोड़ने निकले थे, वोट डालने निकले थे। पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। 2-3 लाठियां मोहम्मद अनीस को भी पड़ी। जान बचाने के लिए भागे तो भागा दौड़ी में खंभे से जा टकराए, सर फट गया, वहीं गिर गए। पिछले 4 दिन से मोहम्मद अनीस इसी खटिया पर लेटे हुए हैं। दिहाड़ी का नुकसान हो रहा है लेकिन लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी जमा कराने की कोशिश भरपूर की, वोट नहीं डाल पाए। क्या हुआ था अनीस भाई उस दिन? उस दिन वोट डालने के लिए गए थे हम, लाइन में खड़े थे अपनी पर्ची लेके और आधार कार्ड लेके। आए पुलिस वाले, उन्होंने आके पूछा नकशा और बोले तुम प्रूफ दिखाइए। हमने दिखा दिया अपना आधार कार्ड और पर्ची वगैरह, उनकी ये हेलो सर। वो छीनने लगे, बोले ये जो है तो जाली है, नकली है, बोले ये। पुलिस वालों ने बोला कि आधार कार्ड जाली है, नकली है। अच्छा, तो मन की नकली है तो ये उन्होंने मानना शुरू कर दिया पब्लिक को। पब्लिक बहुत थी स्कूल के अंदर, तो चिल्ली पुकार मच रही थी वहाँ पे, मारना शुरू किया सीधा। कुछ बोल रहे थे पुलिस वाले कि क्यों वोट नहीं डालने देंगे या क्यों नहीं डालने देंगे या मार रहे हैं? डालन दे नहीं रहे थे, वो छीन रहे थे सबका प्रूफ।